मंडी में धान खरीद के लिए गलत तरीके से गेट पास बनाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडी सचिव व 8 निजी कर्मियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि करनाल अनाज मंडी में धान खरीद के लिए गलत तरीके से गेट पास बनाए जा रहे हैं। इसकी जांच के लिए सभी एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा की गई जांच में कुल 250 गेट पास बनाए जाने तथा लगभग 20,000 क्विंटल धान का मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के उपरांत मिला कि गेट नंबर 1 व 3 से जिन दिनों में गेट पास बनाए गए थे उन दिनों मंडी में किसी भी वाहन की आवाजाही दिखाई ही नहीं दी। उन्होंने बताया कि जिन कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा गेट पास बनाए गए हैं उनमें कुछ कर्मचारी मंडी से नहीं थे तथा वो बाहरी क्षेत्र से आए थे। एसडीएम करनाल की प्रारंभिक जांच के आधार पर इस मामले से संबंधित एक मुकदमा सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है, जिनमें मंडी सचिव सहित गेट पास बनवाने में संलिप्त कुल 8 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रारंभिक जांच थी तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में संलिप्त आढ़तियों व फर्म के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि इस प्रकार की घटना ना घटे। उन्होंने बताया कि जिला की मंडियों में अब तक 1,27,00,000 धान की आवक हुई है, जिसमें से 1,21,00,000 धान को विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदा जा चुका है। किसानों की धान से संबंधित करीब 2400 करोड़ रुपए की पेमेंट में से 1800 करोड़ रुपए की पेमेंट अदायगी कर दी गई है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आप सबको मेरा नमस्कार। करनाल मंडी में जो धान की परचेज हो रही है उसके सिलसिले में 6 नवम्बर तक की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमें कुछ सूचना मिली थी कि कुछ जो धान है वो गलत तरीके से गेट पासेस काट करके मंडी में लाया गया है। इस जानकारी की जांच के लिए हमने एसडीएम जिले के सभी एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटीज बना करके रेस्पेक्टिव मंडीज में चेक कराया और करनाल अनाज मंडी में फिर हमें कुछ ऐसे गेट पासेस मिले जो जिस समय पे वो गेट पासेस काटे गए थे उस समय मंडी में कोई भी व्हीकल है वो अंदर नहीं आया। तो हमने जो सीसीटीवी कैमरे मंडियों की गेट में लगे हुए हैं, करनाल मंडी में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 से व्हीकल्स की एंट्री होती थी और इन दोनों गेट्स के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके डीवीआर से जब हमने डेटा निकाला तो जिस टाइम स्टैम्प पे गेट पासेस काटे गए हैं उस टाइम के दौरान जो व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही मंडी में नहीं पाई गई। इससे हमें प्राइमा फेसी ये लगा कि ये गेट पासेस गलत तरीके से काटे गए हैं। ऐसे कुल लगभग 250 गेट पासेस हमारे नॉलेज में आए हैं और संबंधित जो धान है वो लगभग 20,000 क्विंटल हमारे नॉलेज में आया है। हमारे नॉलेज में ये भी आया जो एसडीएम करनाल ने जांच की उसके संदर्भ में कि जो गेट पासेस काटने के लिए कुछ ड्यूटी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बाकी लोगों की जो ड्यूटी लगी थी उनमें से कुछ मंडी के एम्प्लॉय नहीं थे, प्राइवेट पर्सन भी थे। तो हमने ये प्रारंभिक जांच जब एसडीएम करनाल ने करके दी उस आधार पे पुलिस स्टेशन करनाल सिटी है उसमें हमने एक मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें मंडी के सेक्रेटरी और जो प्राइवेट लोग गेट पासेस काटने में इन्वॉल्व थे 8 लोगों का नाम हमारे पास आया उनके खिलाफ और जो ये गेट पासेस काटे गए हैं उनके संबंधित जो आड़ती और आड़ती फर्म्स हैं जिनके नाम पे गेट पासेस काटे गए हैं उनके खिलाफ भी हमने सिटी पुलिस स्टेशन करनाल में मुकदमा दर्ज कराया है। ये प्रारंभिक जांच ही थी और इसकी संपूर्ण जांच के लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। 2-3 दिन में इसकी एक पूर्ण जांच भी हमारे पास आ जाएगी। हमने पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और जो जो आड़ती इसमें इन्वॉल्व थे उनके भी लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हमारी प्रशासन की पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को हम ना होने दें और इसको तुरंत इस पर रोक लगाएं। इसके अलावा करनाल में टोटल जो धान है उसका अराइवल लगभग 1,01,27,00,000 क्विंटल अभी तक हो गया है और उसमें से 1,21,00,000 क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है एजेंसीज के द्वारा। पिछली बारी 1,70,00,000 क्विंटल धान आई थी, इस बार जो धान की आवाक में लगभग 25-30% कमी जो है देखी गई है।
जहां तक पेमेंट्स की बात आती है तो लगभग लगभग 2300-2400 करोड़ की जो धान है वो अभी तक खरीदी गई है और उसमें से 1800 करोड़ की पेमेंट कर दी गई है, यानी 75% से ज्यादा धान की पेमेंट हो चुकी है और आने वाले जो समय में बाकी जो बची हुई पेमेंट है वो भी किसानों और आढ़तियों को कर दी जाएगी। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि धान परचेज होने के 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में या आढ़ती के खाते में पैसा पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.